इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री, दो बड़े सर जोड़कर बैठ गए, सादिक सिंजरानी और असद कैसर का मुजवजा नामों पर गौर सामने आया। इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम पार्लिमानी कमेटी को अरसाल कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरूरी के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की तजवीज करदा नामों पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का कहना था कि स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं थी। इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम पार्लिमानी कमेटी को अरसाल कर दिए गए और कमेटी कल तक नाम फाइनल कर देगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जीलानी और इखलाक अहमद तारर के नाम तजवीज किए गए हैं, जबकि सिंध के लिए निसार दुरानी, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन और औरंगजेब हक के नाम, बलोचिस्तान से शाह महमूद जतोई, मोहम्मद रऊफ अता और राहिला दुरानी के नाम दिए गए। उधर वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीर के लिए जो नाम तजवीज किए हैं, इनके लिए जस्टिस रिटायर्ड सादिक भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी, अब्दुल जब्बार कुरैशी, जबकि बलूचिस्तान से फैज काकड़, नवीद बलोच और अमानुल्ला बलोच का नाम तजवीज किया गया।